हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एमकेडियर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडियन गैस के कस्टमर हैं तो आपको एक खबर जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आप इंडियन गैस के कस्टमर हैं तो आप अपना जब भी अपना गैस बुकिंग करते थे तो वहां पे एक नंबर रहता था, उस नंबर को आपने डायल करते थे। लेकिन फ्रेंड, यहां पे मैं आपको बता दूं कि जिस नंबर पे कॉल करके आप अपना गैस बुकिंग करते थे, मतलब गैस का नंबर लगवाते थे, वो जो नंबर है वो चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको लाइव सुनाऊंगा कि कौन सा नंबर चेंज हो चुका है और कौन सा नंबर आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमारे घर भी इंडियन गैस का ही सिलेंडर है। तो फ्रेंड, जब हमने नंबर अपने मोबाइल से लगाने की कोशिश किया तो फ्रेंड वहां पे बोल रहा है कि अब वो नंबर चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड, हमने सोचा कि जब नंबर चेंज हो गया है तो जो नंबर चेंज हुआ है वो कैसे हमें मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, लास्ट में उन्होंने बता दिया कि इस नंबर पे कॉल करके आप अपना नंबर लगवा सकते हैं, मतलब गैस बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव सुना देता हूं कि कौन सा नंबर अब आ चुका है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग यहां पे सुनाता हूं। अब आप भी बनिए कोरोना योद्धा सुरक्षित। इंडियन IVRS नंबर हैज चेंज टू 7718955555। कॉल फ्रॉम योर रजिस्टर्ड फोन टू बुक अ रिफिल। इंडियन बुकिंग नंबर बदल गया है, अब 7718955555 पर कॉल कर गैस बुक करें। तो फ्रेंड, आपने देखा कि हमने कॉल किया था जिस नंबर पे पहले हम लोग नंबर लगवाते थे, लेकिन फ्रेंड वहां पे बोल रहा है कि इस नंबर से कॉल करके आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरे नंबर पे कॉल करना होगा। तो फ्रेंड, वहां पे वो नंबर भी बता दिया है कि किस नंबर पे आपको कॉल करना है। तो फ्रेंड, उस नंबर पे हमने कॉल किया। कॉल करके हम जिस तरह से गैस बुक करते थे उसी तरह से सिंपली में हम लोग गैस बुक कर लिए। तो फ्रेंड, ये छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।